चाइना में कोहराम मचाता कोरोना वायरस का एक्स सी वेरिएंट और मुंबई और गुजरात में इसके दो संदिग्ध मरीजों के मिलने से पूरे भारत में लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि मौजूदा समय में लगभग हर चीजें खुल चुकी हैं। लोग पहले की तरह मूवमेंट करने लगे हैं, जो कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी लगभग खत्म ही हो चुका है। सो आइए जानते हैं कि कितना खतरनाक है कोरोना वायरस का एक्स सी वेरिएंट और क्या है इसके लक्षण यानी सिम्टम्स। बट ये जानने से पहले और डिटेल्स में जाने से पहले, नमस्कार, मैं हूं रीश और आप देख रहे हैं डीएनपी हेल्थ। पहले तो वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीएनपी हेल्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज कर लें। और इस वीडियो को और हमारे चैनल की बाकी सारी वीडियोस, ऑल द वीडियोस दैट यू लाइक एंड लव, उन्हें भी प्लीज शेयर करें। थैंक यू। जो डॉक्टर्स के मुताबिक एक्स सी ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है। ओमिक्रॉन के दो रूप दैट इज BA.1 और BA.2 अब तक सामने आए थे। जो एक्स सी वेरिएंट इन्हीं दोनों वेरिएंट से मिलकर बना है। जो ओमिक्रॉन से ये वेरिएंट अलग नहीं है और इसके पीछे वजह ये है कि ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के ही दो वेरिएंट से मिलकर बना है। जी हाँ, इट्स अ कॉम्बिनेशन। ऐसे में इसके लक्षण भी समान माने जाते हैं। इस वेरिएंट पर एक्सपर्ट्स अभी स्टडी कर रहे हैं एट प्रेजेंट, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है और इसके फैलने की रफ्तार बाकी वेरिएंट से एक्चुअली 10 गुना है। जी हाँ, 10 गुना अधिक है। हालांकि माना जा रहा है कि ये ओमिक्रॉन के दो सब वेरिएंट से मिलकर बना है, इसलिए इसके लक्षण भी ओमिक्रॉन से मिलते जुलते हो सकते हैं। जब बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, बदन दर्द, सिर दर्द, गले में खराश और नाक बहना एक्स सी वेरिएंट के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा एक्स सी वेरिएंट के कुछ अन्य लक्षण में थकान यानी फटीग, चक्कर आना, धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ना, सूंघने और स्वाद में कमी बढ़ना शामिल है। अगर किसी में ये लक्षण यानी सिम्टम्स नजर आए तो उन्हें तुरंत तुरंत जांच करानी ही चाहिए। सो डॉक्टर्स बताते हैं कि ये कोई नया वायरस नहीं है। जी नहीं, ये कोरोना का ही रूप है और ऐसे में कोरोना के बाकी वेरिएंट्स की तरह ही इसमें भी उसी तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है। जो डॉक्टर्स का कहना है और मानना है कि बेशक अधिकतर राज्यों ने मास्क से चलान हटा दिया है यानी फाइन हटा दिया है और इस वजह से लोग मास्क पहनने में लापरवाही कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको हर हाल में मास्क पहनना चाहिए। इस वेरिएंट या कोरोना के किसी दूसरे वेरिएंट से बचने के लिए आपको मास्क सबसे पहले पहनना ही चाहिए। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बचना ही चाहिए लाइक बिफोर, और अगर आप जा भी रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना चाहिए। जब कोरोना से बचना है तो आपको COVID-19 के टीके की दोनों डोज जरूर लगवानी चाहिए, और अगर आप बूस्टर डोज लगवाने की स्थिति में है तो उसे भी जरूर लगवाएं। सो जैसे कि हमें पता है कि एक्स सी वेरिएंट के दो ऑफिशियल केसेस इंडिया में आ चुके हैं, 1 in Mumbai, 1 in Gujarat। सो डू यू थिंक इट्स हाई टाइम कि हमें फिर वो कोविड प्रोटोकॉल्स को पालन करना फिर से शुरू कर देना चाहिए? जैसे अब लोग थोड़ा ईज में आ गए हैं, सो वो एटीट्यूड अब हमें फिर उस पर एक रोक लगा देनी चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स सेफ्टी ऑफ आर हेल्थ इज एवरीथिंग, राइट? वेल, व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस होल सिचुएशन एंड अबाउट द इमर्जेंस ऑफ दिस न्यू वेरिएंट? डू लेट अस नो योर टेक इन द कमेंट बॉक्स बिलो। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे सेगमेंट। अगर आपको हमारा आज का हेल्थ रिलेटेड सेगमेंट पसंद आया, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डीएनपी हेल्थ। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग योर लव, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग डीएनपी हेल्थ।